लो बिटिया मिठाई खाओ। मिठाई ये किस खुशी में मिल रही है? क्योंकि आजकल मेरी दुकान चकाचक चल रही है। चकाचक वो कैसे? तुम्हारी दुआ से। मेरी दुआ से? हाँ, आजकल एक परदेसी बाबू रोज दुकान पर आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 30-40 कप चाय पी जाते हैं। इसमें मेरी दुआ कहाँ से आई? दरअसल बिटिया उनकी नजरें तुम्हारी दुकान पर टिकी रहती हैं। नजर इधर चाय उधर, नजर इधर चाय उधर, बिल 30 रुपया 4 आने। अच्छा तो ये बात है, आने दो 30 रुपए 4 आने वाले को। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चाय पीना भूल जाएगा। चाय पीना भूल जाएगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए काका, बस वो आएगा तो मुझे इशारा कर देना। बिटिया वो तो सब ठीक है, लेकिन इन पेड़ों की लाज रख लेना। हे बजरंग बली, किस डिफिकल्टी में फंसा दिया बाबूलाल को। अरे बाबूलाल ये क्या कर लिया तुमने, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ए बजरंग बली जी महाराज, इस बाबूलाल मूर्ख की रक्षा करना। अरे बाबूलाल ये किस डिफिकल्टी में फंसा लिया अपने आप को। राम राम बाबूजी। राम राम बाबूलाल। कैसे हो? बस राम जी की कृपा है, बैठिए बैठिए। अबे ओ कलुआ, परदेसी बाबू आया परदेसी। और सुनाओ बाबूलाल, आज की ताजा खबर क्या है? सुनने में आया है कि बाहर का मौसम बड़ा खराब है, घनघोर घटाएं घिरती चली आ रही हैं, आसमान पर बादल गरजने वाले हैं, बिजली चमकने वाली है, भयंकर बरसात होने की संभावना है बाबूजी, भयंकर बरसात। भाई वाह, मान गए, सुभान अल्लाह। बाबूलाल क्या अर्ज किया है सागर साहब ने कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। ठीक ही कहा था उस बुक स्टॉल वाली ने, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। अरे बाबूलाल और क्या लिखा है जरा ये तो सुनो, कि दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। बाबूलाल हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी जानता है। अरे बाबूलाल मैं तुम्हें सागर साहब की शायरी सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मेरे कहने का मतलब यह है बाबूजी, ये कौन से दौर के शायर हैं और कहां रहते हैं? अरे मेरे ही शहर में रहते हैं और मेरे ही शहर में रहने के नाते मुलाकात तो होती ही है। अच्छा अच्छा। अरे मुझे तो यहाँ आकर मालूम पड़ा कि वो अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा, इससे पहले आपको मालूम नहीं था? अरे यही तो बात होती है बड़े लोगों की, वो जो होते हैं बोलते नहीं। वाह सागर, तुम तो सागर से भी गहरे निकले। अब जब मिलूंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ पकड़कर चूमूंगा और चूम के कहूंगा कि। उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप? आप लाजवाब है। राम प्यारी इनके लिए मेरी तरफ से। अरे ये तकल्लुफ क्यों? क्योंकि आप सागर साहब को जानते हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, उनके मिलने वालों में से हैं और मैं उनकी मुरीद, मेरा मतलब फैन हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर आप सागर साहब को जानते हैं तो उस दिन मेरी दुकान में उनको इतना भला बुरा क्यों कह दिया? दरअसल मैं आपकी चाहत की हद को देखना चाहता था। वैसे आप सागर साहब को कैसे जानती हैं? बस खतों और कलामों के जरिए। कुछ और बताइए ना उनके बारे में। कुछ और पूछिए ना उनके बारे में। वो दिखते कैसे हैं? हसीन हैं, नौजवान हैं। सच? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या आप मुझे इस खूबसूरत इलाके की सैर कराएंगी? क्योंकि मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूं। बस इतनी सी बात? तो फिर वादा रहा। वादा। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.